नमस्कार, मैं रिया और आप देख रही है बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बिहार के तमाम जिलों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थिति औरंगाबाद की भी खराब बनी हुई है, वहां भी 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है। वहीं बता दें, इस कड़ाके की ठंड में ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और इस विषय को लेकर बिहार में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है उसको लेकर औरंगाबाद में भी स्थिति वही बनी हुई है। इसको लेकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनूप कुमार चौबे, उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। जो सुबह का न्यूनतम तापमान है वो 4.3 दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 20 दर्ज किया गया है, लेकिन आज धूप निकलने के कारण जो अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन आगे आने वाला जो समय है, अगर फिलहाल 4-5 दिन की बात किया जाए तो अभी भी फिलहाल में मौसम में थोड़ा सा ठंडपन रहेगा और दिन में थोड़ी धूप तो निकलने की संभावना है, लेकिन सुबह सुबह कुहासा भी रहेगा और न्यूनतम तापमान भी 6 से 8 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ठंड का प्रकोप अभी रहेगा। तो आपने मौसम विभाग के वैज्ञानिक को सुना जिन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में जो तापमान में बदलाव है वो होने के आसार दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि औरंगाबाद में 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अभी बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने के आसार दिख रहे हैं। वहीं जो मजदूर और यात्री हैं उनका भी सुन लीजिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। बहुत ठंड लगता है। बहुत ठंड है जी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, है? नहीं है। क्या नहीं मिल रहा है? अरे वरना खाना पीना चाहिए, हमें लेबर लोग हैं, कमाए आए हैं। अलाव की व्यवस्था नहीं है, एकदम बिल्कुल ही नहीं। तो कैसे ठंड कट रहा है? ये साले को है, साले को करते हैं किसी तरह से कट रहा है। ठंड तो बहुत काफी बड़ी हुई है, सुबह में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोपहर में थोड़ा ठीक रहता है, फिर रात में वही है। तो आपने लोगों को सुना जिन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड है, काम करने में ज्यादा परेशानी हो रही है, ठंड बढ़ते जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में भी स्थिति शीतलहर वाली बनी हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक और यहाँ भी तापमान जो है 4.3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठिठुरन भरी ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बता दें कि यह ठंड जानलेवा भी साबित होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बीमारियां अपनी चपेट में लेने लगी हैं। इंसान को ठंड भी ज़्यादा कपकपाने परेशान करने लगी। और आपको बता दें कि ज़्यादा ठंड बढ़ने की वजह से ज़्यादा जो मरीज़ है, हार्ट के मरीज़ है या फिर स्ट्रोक, ये ज़्यादा लोगों को हो रहा है। हार्ट के मरीज़ों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वही बता दें कि ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक की समस्याएँ भी हो रही हैं और ऐसे में अगर आपको भी बचने की ज़रूरत है और आप भी अगर बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो ज़रूरी हो तभी निकले और पूरी सतर्कता के साथ निकले। मफलर, टोपी, ये सब लगा के ही बाहर निकले, तभी आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि बता दें कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और औरंगाबाद में भी स्थिति खराब बनी हुई है। तो अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी सतर्कता के साथ निकले और अपना पूरा ख्याल रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।